आज असां एक दुनिया वेचे, आज असां एक दुनिया वेचे, ते एक दिन व्याज ले आए, गल कुफर दे किते, आज असां एक दुनिया वेचे। एक दिन वो मैं सफिया भाभी के पास बैठा बातें कर रहा था तो मिंटो साहब घर में दाखिल हुए। उनकी हजामत बहुत बड़ी हुई थी, बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे और कुछ भी नहीं कमा रहे थे। तो वो जैसे ही एडमिट हुए तो सफिया भाभी संभल के बैठ गई और कहने लगी कि मिंटो साहब दो काम कीजिए। अच्छा, जब कभी खफा होती थी तब बहुत अदब से नाम लेती थी, वैसे तो सादत कहती थी, लेकिन जब खफा होती थी तब मंटो साहब कहती थी। और जब 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 भी वो कहती थी मंटो साहब तो मैं समझ जाता था कि अब शाबत आई इनकी। तो उनके बड़े बड़े बाल थे, बहुत बड़े लंबे बाल हो गए थे। तो सफिया भाभी ने कहा कि मंटो साहब दो काम कीजिए, एक तो ये कि हजामत करवाइए और दूसरा काम बहुत ज़रूरी है, वो पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ कमाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी कि नगमी साहब आप इनको कहीं नौकर रखा सकते हैं। तो मैंने फौरन एक सेकंड के तामुल के बग़ैर मैंने कहा जी हाँ भाभी, मैं इनको नौकर रखा सकता हूँ। तो एकदम उनको बड़ा प्लेजेंट शॉक हुआ सफिया भाभी को, कहने वाकई आप इनको नौकर रखा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि कहाँ रखवाइएगा नौकर इनको। मैंने कहा एक बिल्कुल नया अखबार निकला है, एक हफ्ता हुआ है निकले हुए अखबार को, और उसका नाम है मंशूर, उसमें कॉलम राइटर की ज़रूरत है। मैं जाके कह दूँगा कि मंटो साहब रोज़ाना कॉलम लिखेंगे तो इनको मौका दिया जाए, वो मान जाएंगे फौरन। तो मंटो साहब कह लें वो किस उसका मालिक कौन है। तो मैंने कहा कि नवाब मुजफ्फर अली कजलबाश। नहीं, मैं नहीं लिखूँगा उसके लिए। तो मैंने कहा कि मंटो साहब क्यों नहीं लिखेंगे आप। नहीं नहीं, वो मुझसे कहेंगे तुम शियों की हिमायत करो, तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा ये आप कहाँ से इत्तलात मिल रही हैं। तो कहने तुम जो कह रहे हो कि वो नवाब मुजफ्फर अली खां कजलबाश तो वो तो शिया है। मैंने कहा वो शिया है लेकिन वो बिजनेसमैन है, उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या हैं क्या नहीं। अच्छा, तुम उससे जाके ये कहो कि मैं एक हाथ से कॉलम लिखा हुआ दूंगा, दूसरे हाथ से 10 का नोट लूंगा, रोज़ाना 10 रुपए मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि ये बात क्या हो रही है और ये 10 रुपए क्या है। खैर, मैं उसी वक्त ज़्यादा फासले पर दफ्तर नहीं था मंशूर का, मैं वहाँ गया तो मैंने उसके एडिटर जो थे उनसे जाके कहा मंटो साहब आपके अखबार के लिए लिखना चाहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश, एकदम चेहरा सुर्ख हो गया मसरत से, कहने अच्छा तो अभी बात करता हूँ। चपरासी से कहा कि बाबू मौला दाद को बुलाओ। तो बस मौला दाद साहब आ गए, कहने के ये मंटो साहब, ये अपना नगमी साहब एक खुशखबरी लाए हैं, मंटो साहब अखबार के लिए रोज़ाना कॉलम लिखा करेंगे, उनको 10 रुपए रोज़ चाहिए। तो उसने कहा कोई बात ही नहीं, बिल्कुल ज़रूर लिखें, 100 बिस्मिल्लाह। मैं उसी वक्त गया, मैंने मंटो साहब से जा के बताया कि वो मान गया है। अच्छा, तो सफिया भाभी बहुत खुश हुई। दूसरे रोज़ तीसरा दिन था, मैंने सुबह का अखबार देखा मंशूर, तो उसमें कॉलम मौजूद था मंटो साहब का, उसका उन्वान था सियाह हाशिए। तो सियाह हाशिए के उन्वान से मंटो साहब ने रोज़ाना कॉलम लिखना शुरू कर दिया।
और ये मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब उनके मरने में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए थे। और कालम तो मैं आपको क्या बताऊँ, गुप्ता साहब इतना शगुफ्ता, इतना चेयरफुल कि पता ही नहीं चलता था कि ये वो शख्स है जो अब मरने के करीब आ गया है। बहुत ही शगुफ्ता, बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही लाइट, बिल्कुल हल्का फुल्का कालम, बहुत अच्छे अच्छे कालम लिख रहे थे। एक दिन का वाकया ऐसा हुआ कि वो कह ले कि अच्छा कालम मैंने लिख लिया, नगमी तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा चलते हैं। अच्छा तांगा किया, हम दोनों बैठ के गए। तांगे वाले से कहा कि तुम यहीं खड़े रहो, हम दोनों अभी वापस आ जाएंगे। तांगे वाला वहाँ खड़ा हो गया। तो वो सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर जा रही थीं, तो जैसे ही मंटो साहब वहाँ पहुँचे तो वो सीढ़ियों के कि एक जीने पर बैठ गए। कहने मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी, तुम जाके मेरे 10 रुपये ले आओ। मैं ऊपर गया तो बाबू मौलादाद मौजूद थे, तो मैंने कहा कि नीचे मंटो साहब सीढ़ियों में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जाके 10 रुपये वो अपने मांग रहे हैं कालम के। तो बाबू मौलादाद बड़ी बहुत ही नरमी से कहने लगे, नगमी साहब मंटो साहब से कहें कि कल 2 ले लें 10-10 के, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा मैं गया और मंटो साहब वही आखिरी जीने पे बैठे हुए थे। मैंने कहा मंटो साहब बाबू मौलादाद कह रहे हैं कि वो कल 20 रुपये ले लें। नहीं मैं उन्हें पहाड़ सूटेंगा, कितने मेरा कालम। और सारे जीने चिड़ते चले गए और जाके और कहने कितने मेरा कालम, मैं उन्हें पहाड़ सूटेंगा। तो बाबू मौलादाद फौरन घबरा गए और उन्होंने 10-10 के 2 नोट कहा मंटो साहब लीजिए आप खपा न हो। तो वो 10-10 के 2 नोट लेके अब जो वापस लौटे तो देखा कि वो जो टांगे वाला था उसको पुलिस वाला मार रहा था। मंटो साहब ने उसके हाथ से चाबक छीन लिया और पुलिस वाले को मारने लगे। थोड़ी देर में बड़ा मजमा जमा हो गया तो पुलिस वाला घबरा गया, बिल्कुल खौफजदा हो गया कि या अल्लाह ऐसा कौन सूरमा है जो पुलिस वाले को मार रहा है। तो लोगों ने कहा इन्हों कुछ न कमी ना ए मंटो साहब ने, बिल्कुल खबरदार। तो वो पुलिस वाला घबरा गया, मंटो साहब तांगे पे बैठ गए, मैं भी बैठ गया। और जनाब ज़रा सी देर में वो एक पारसी की शराब की दुकान थी, वहाँ पर तांगा रुकवाया और तांगा रुकवा के और जाके तो वो शराब की बोतल ख़रीदी पौवा और घर आ गए। तब मुझे पता चला कि अच्छा तो ये जो लिखने के लिए इन्होंने, मैं तो ये समझा था कि ये 10 रुपये हमारी सफिया भाभी को मिला करेंगे रोज़ाना। तो हालांकि 10 रुपये यानी तमाम जो अखबार के कॉलम राइटर्स थे वो बहुत अच्छा कमा रहे थे लिख के, 10 रुपये तो उस ज़माने में भी कोई किसी अच्छे राइटर के लिए। और मंटो साहब का ये हाल था कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोज राइटर थे, कॉलम राइटर थे, लेकिन 10 रुपये रोज़ पे तैयार हो गए थे। तो हम ये समझते थे कि हमारी सफिया भाभी को मिलेंगे, मगर उनको उनके लिए नहीं था, वो अपने लिए सिर्फ अपनी शराब के लिए कर रहे थे। तो ये उनका आखिरी ज़माना था। और हालत ये थी कि जैसे मैं अपने एक दोस्त को लेके गया तो आहिस्ता से कहने लगे तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, हालांकि मुझसे वो इस क़दर यानी बुज़ुर्गी और खुर्दी का ताल्लुक था कि वो मैं कभी तसव्वुर तक नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा दिन भी आ जाएगा कि मंटो साहब मुझसे कर्ज़ा मांगेंगे। तो कर्ज़ा वर्ज़ा क्या होता था, बस यानी शाम को रीगल चौक एक वहाँ था लाहौर में, अभी है वहाँ, तालिबे इल्म जो हैं वो जमा हो जाते थे मंटो साहब के गिर्द कि ये मंटो साहब और वो
उनको जो उनको ख़राब करने वाले दोस्त थे जो उनसे मुफ्त की शराब पीते थे, वो उन तालिब इल्मों से और स्टूडेंट से कहते थे अरे ये मंटो साहब है ना, तो भाई कुछ ना कुछ इनके लिए करो और पाँच पाँच दस दस रुपये जमा हो के तो वो उनकी शराब का इंतज़ाम होते थे। तो ये बहुत ही मिजरेबल डेज थे और बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही दुख भरे दिन थे। और ये 3 साल जो मैंने उनके साथ गुजारे, ये मुझे जब भी याद आते हैं तो मैं बहुत मकबूम हो जाता हूँ। सुपने गायक थान उड़ाया, गज को कपड़ा पाड़ लिया, गज को कपड़ा पाड़ लिया, ते उम्र ते चोली से ते अज असाइक दुनिया बेची। मैं उनके साथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे रोज मिलता था। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और मुझसे उम्र में 18 साल बड़े थे और बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट किया करते थे। और सफिया जो उनकी बेगम थी वो कहा करती थी कि जब आप ज़्यादा दिन हो जाते हैं, आप नहीं आते हैं, तो ये बहुत ही दर्दमंदी से पूछा करते हैं, सफिया नगमी नहीं आया, बहुत दिन हो गए।